हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 15 अप्रैल बुधवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज के दिन कौन से विशेष क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे। इसके लिए क्या करें, क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन बेहद ही शुभ रहेंगे। आज के दिन आपको किसी नए कार्यों की प्राप्ति होने के योग दिख रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन व्यापारी वर्ग के जातकों को व्यापार में लाभ के सुनहरे अवसर मिलेंगे। आप अपने व्यापार कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति को तैयार कर सकोगे, जिनकी वजह से आपके रुके पड़े कार्य भी पूरे होंगे और लॉकडाउन की वजह से आपके जो भी कार्य रुके थे उनको आप पूरे कर सकोगे। घर में खुशी का माहौल बने रहेंगे। संतान पक्ष से आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकेंगे। जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल बढ़िया रहेंगे। आपके व्यापार की गति थोड़ी सी धीमी रह सकती है। आप अपने बेहतर सोच से हालातों को संभालने में आप काफी सफल रहेंगे। माता पिता आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेंगे। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर सकेंगे। आज के दिन आपके कार्यों में आपको सफलता मिल सकेंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपका दिन काफ़ी शानदार रहेंगे। लोगों का विश्वास आप पर बना रहेंगे। बच्चों की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल सकेंगे। घर का माहौल भी काफ़ी खुशनुमा बना रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में आपसे सामंजस्य उत्तम रहेंगे। आपकी सेहत अच्छी बने रहेंगे। परिवार वालों के सलाह भविष्य के लिए लाभदायक होंगे। आज के दिन आप घर पर ही किसी प्रकार के नई चीज़ों के बारे में जानकारियों को एकत्रित करने का मन बना सकोगे। आज के दिन आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की चेष्टा कर सकोगे। आज आपका दिन पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छे रहेंगे। आज अधिकारियों का सहयोग मिलेंगे। आपकी आमदनी में इजाफा होने के बेहतर योग बन रहे हैं। पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस कर सकोगे। इस राशि के राजनीतिक से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेंगे। आज परिवार का माहौल काफ़ी खुशनुमा बना रहेगा। आज आपका रुझान आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा ही रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेंगे। आपके सभी परेशानियों का हल मिलेंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े चीज़ों पर अचानक से आपका खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में आपको थोड़े से पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आ रही अड़चनें दूर होंगे। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन थोड़ी थकान भी महसूस कर सकते हैं। आज आप जो भी कार्य करने की सोच रहे हैं उसको लेकर पॉजिटिव नजरिया रखें। सब आप काम अच्छे से पूरे हो सकेंगे। कामकाज की अधिकता सेहत पर असर डाल सकती हैं। ऐसे में आपको अपने सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखने होंगे। आज के दिन आपकी सभी परेशानियों का समाधान निकाल सकोगे। आज का दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेंगे। तुला राशि के लवमेट के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेंगे और किसी करीबी दोस्त से फोन पर लंबी बातचीत कर सकोगे। आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार होने वाले हैं। आज के दिन छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज सारे काम आपके इच्छा के अनुसार पूरी होने से आपको काफ़ी आनंदित महसूस होंगे। जीवन साथी से ली गई सलाह आपके लिए किसी काम को पूरा करने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेंगे। आज आप परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करोगे। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनको काम में थोड़ा सा रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है और किसी बड़े बुजुर्गों की मदद करने से आप
मन को राहत महसूस करवा सकोगे। कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना भी करने में काफी सक्षम रहेंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देंगे। आज के दिन आपको अपने जीवन में चल रहे पारिवारिक कलेश और किसी भी प्रकार की नई गतिविधियों को दूसरों के साथ शेयर करने से परहेज करें। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेंगे। आज बेहतर होगा कि आप पढ़ाई को सीरियसली लेके अपने टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा तक अपने घर से बाहर रह सकोगे। आज कुछ मामलों में आप अपनी बातों पर कॉन्फिडेंट नहीं रह सकने के कारण आपके कोई ज़रूरी कार्य अधूरे रह सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति से आपका विश्वास भी हट सकता है। ऐसे में कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास दोनों को बनाए रखना आपके लिए आवश्यक रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज थोड़ी सी मेहनत से बड़े मुनाफे मिल सकेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेंगे। रुके हुए काम काज अगर फिर से शुरू करेंगे तो आपको फायदे हो सकेंगे। जीवन साथी के साथ रोमांटिक शाम का प्रोग्राम बना सकोगे। इस राशि के कंप्यूटर के छात्रों के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही बढ़िया नतीजे भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आर्थिक स्थितियां आपके मजबूत रहेंगे। आज आपका मन अध्यात्म के प्रति अधिक लगा रहेंगे। परिवार के साथ किसी समय पर आप घर में बिता सकोगे। ऑफिस के लोग आपके कामकाज को लेकर तारीफें करेंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेंगे। रचनात्मक काम से आपको धन लाभ हो सकेंगे। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेंगे। अपने ही लोगों को आपको सहयोग मिल सकेंगे और किसी काम में थोड़ी सी कोशिशें करेंगे तो आपको किस्मत का सहयोग मिलने वाला है। आपके घर परिवार में माहौल काफी खुशनुमा बना रहेंगे। आज आपका दिन का आप भी अच्छा रहेंगे। खास तौर पर अधिकारियों के साथ अपने व्यवहार में सावधानी बनाए रखने की कोशिश करें। धन लाभ के अवसर आपके नजर आ रहे हैं। इस राशि के लव लाइफ वालों के पुराने मामले सुलझ सकेंगे। परिवार का खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है और किसी एक ही विषय पर ध्यान दोगे तो आप उस विषय को बेहतर बना सकोगे और उस क्षेत्र में आप काफी महारत को हासिल कर सकोगे। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको किसी न किसी वजह से आलस्य महसूस हो सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने शरीर में फुर्तीपन लाने की कोशिश भी अवश्य करनी चाहिए। घर के सुख सौभाग्य में वृद्धि होंगे। आज आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करोगे। आप जिस काम को करेंगे वह समय से पहले पूरे होंगे। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में कर सकेंगे और किसी जरूरी काम काज में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेंगे। इस राशि के प्राइवेट जॉब करने वालों को अपने कोरोना के चलते घर पर ही काम करने का मौका मिलेंगे। घर पर ही परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर सकोगे। उनके साथ मिलजुल कर अपने कामों को पूरा करने में आप काफ़ी माहिर रहेंगे। अधिकारियों से खास मामलों पर बातचीत कर सकोगे। आपके सभी काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपका काम मन मुताबिक पूरे होंगे। मित्रों के साथ फोन पर किसी खास विषय पर वार्तालाप कर सकोगे जिनसे आपको फायदे हो सकेंगे और किसी भी काम को करने में आपका मन लगा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेंगे। आपको कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। आज खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कई तरह के अनुभव भी आपको प्राप्त हो सकेंगे। आज आपके धन धान्य में वृद्धि होंगे और आपके जीवन में आपको लाभ के सुनहरे अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने कार्य क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने व्यवसाय व्यापार को लाभ करने के लिए आप कई रणनीतियों को तैयार कर सकोगे जिसमें आपको काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकेंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक तंगियों से आपको छुटकारा मिल सकेंगे। आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और कुछ असाधारण करेंगे। किसी विवाद के कारण आपको लाभ होने के अच्छे योग भी बन रहे हैं। संतान को लेकर आपकी चिंता थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि उनकी गलत संगति में पड़ने से आपको थोड़ी सी परेशानियों का अनुभव भी हो सकता है।
मित्रों आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेंगे। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से अच्छे बनाए रखने का प्रयास और जतन भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल बना रहेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के दिन रचनात्मक प्रोजेक्ट से निपटने के लिए आपका समय काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। आप नई चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकोगे, जिनसे आपको लाभ के सुनहरे अवसर भी मिल सकेंगे। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र और अपने कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग दिशाओं पर प्रयास करने होंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।